प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका माँ जगदम्बा सरस्वती जी के 24 जून स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उनकी शिक्षाओं को स्मरण करते हुए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत उनके जीवन के संक्षिप्त परिचय के साथ करते हैं। माँ जगदम्बा का बचपन का नाम राधे था। यज्ञ स्थापना के समय जब वो बाबा के पास आई तो बाबा ने उन्हें ओम राधे के नाम से संबोधित किया। कन्याओं और माताओं की एक कमेटी बनाई गई। बाबा ने अपनी संपूर्ण संपत्ति उस कमेटी के सामने समर्पित कर दी। मम्मा उस कमेटी की ही हेड थी। बाबा ने मम्मा को कन्याओं माताओं की संभाल के लिए, यज्ञ को सुचारू रूप से चलाने के लिए और यज्ञ वत्सों को स्नेह की पालना देने के निमित्त बनाया। मम्मा हर एक कार्य को बहुत ही कुशलतापूर्वक करती गई। मम्मा को इसलिए नाम दिया गया माँ जगदम्बा सरस्वती। मम्मा के भविष्य को जानते हुए बाबा ने उन्हें साक्षात्कार द्वारा बताया कि वही राधे भविष्य की अनुराधे अर्थात श्री लक्ष्मी बन जाएंगी। और ये सुनते ही इस आधार से उनके अंदर अनगिनत लक्षण लक्ष्मी के आने लगे। उन्होंने यज्ञ वत्सों की मातृव्रत पालना की। मम्मा का स्वभाव बहुत ही मीठा था। उनकी वाणी बहुत ही मीठी मधुर और स्पष्ट थी। जो भी उनकी वाणी सुनता था सहजता से उसको जीवन में धारण कर लेता था। मम्मा योगनिष्ठ थी। मम्मा के हाजी का पाठ पक्का था। बाबा के मुख से जो भी निकलता था मम्मा उसे ज़रूर पूरा कर लेती थी। मम्मा की जो दृष्टि थी बहुत ही योगयुक्त थी। उसमें योग का जोहर दिखाई देता था। मम्मा की पवित्रता में इतना बल था कि जैसे ही कोई असुरी अशुद्ध वृत्ति वाली आत्मा सामने आती थी और वो परिवर्तित हो जाती थी। मम्मा ने भारत के अनेक प्रांतों में ईश्वरीय सेवाओं का खूब विस्तार किया। सदा एक रस स्थिर अचल अडोल रही। 24 जून 1965 में आपने पंच तत्वों से बना निर्मित स्थूल शरीर का त्याग कर अव्यक्त वतनवासी बन गए। ऐसी मम्मा को हम सबका सत सत नमन है। 24 जून मातेश्वरी जी के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में समस्त सुख शांति परिवार की सभी बहनों के द्वारा उनकी शिक्षाओं को स्मरण करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति। आज सारा संसार जिसे काम धेनु जगदम्बा सरस्वती आदि शक्ति और अनेक भिन्न भिन्न नामों से पुकारता है,
जिनकी एक झलक पाने के लिए वर्षों वर्ष जब तप भक्ति आराधना करता है। कितने आश्चर्यचकित वह आनंदित करने की बात है कि वही सरस्वती माँ इस धरती पर चली, अपने हस्त कमलों से हजारों वत्सों को वरदान दिए, दृष्टि से स्नेह और योग के प्रकंपन प्रदान किए, ज्ञान युक्त मधुर बोली से अनेक आत्माओं को सींचा है। जिसने भी उन्हें देखा सब कुछ देखा, मात्र रूप में जिसने भी पाया मानो सब कुछ पाया। योग अग्नि में तपा कर संस्कारों को उज्ज्वल करने वाली, ज्ञान की लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली प्रथम सिद्धामा, अन्नपूर्णामा और संतोषी माँ थी। रत्नागर की सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रत्न थी। त्रिलोक के प्रभु का वंदे मातरम का नारा उनके ही प्रति अभिनंदित था। वे ही आदि योगिनी तपस्वी थी, अविनाशी अखंड भारत की शान थी, प्रभु की पहचान थी, दिव्य गुणों की खान थी। ये चलती फिरती दिव्य परी थी, जिनका तन प्रकाश की रश्मियाँ प्रवाहित करता और मन सदा ही अर्स निवासी प्यारे शिव बाबा की मधुर याद में समाया हुआ रहता। उनकी करुणामय दृष्टि जिस पर भी पड़ जाती थी, वो अनेक जन्म जन्म की थकान तपन और अज्ञानता से मुक्ति पा जाती थी। उन हंसवाहिनी विद्यादायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृतांत की कुछ झलकियाँ हम सुनकर और उनको अपने मन के श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। आइए सुनते हैं उनके जीवन की विशेष अमूल्य विशेषताएँ। मम्मा, जैसे मम्मा से मिलने के लिए किसी को कोई टाइम नहीं लेना होता था, मम्मा से जब चाहे कोई भी जा करके मिल सकता था। मम्मा में इतना अपनापन था, जैसे हमको दादी सुनाती है, बड़ी दादी, कि दादी और मम्मा क्लास फेलो थे, तो उन दिनों ज़्यादा मम्मा और दादी की इतनी बात नहीं हो पाती थी स्कूल के टाइम पर। और मम्मा का एक ही दृढ़ संकल्प शुरू से था, जो दादी हमको बताती है, कि मम्मा का था कि मैं हमेशा नंबर वन ही आऊं। तो मम्मा नंबर वन आने का ही उसी रीति से पुरुषार्थ करती थी। जैसे बड़ी दादी सुनाती थी कि मार्केट में कोई भी नया कपड़ा आता था तो सबसे पहले मम्मा खरीदती थी, और स्कूल में भी सर क्लास में नंबर वन मम्मा ही आती थी। मम्मा का शुरू से ही था कि मुझे सेकेंड नंबर आना ही नहीं है। और मम्मा बहुत अच्छा डांस भी करती थी, जैसे दादी सुनाती थी, बड़ी दादी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। और मम्मा बहुत अच्छी संगीत भी, गीत भी बहुत अच्छा गाती थी। एक बार स्कूल में भी मम्मा ने बहुत अच्छा गीत गाया, इससे सब बहुत ही प्रभावित हुए। फिर जब मम्मा ज्ञान में आई तो दादी ने, पहले तो मम्मा स्कूल टाइम में बात नहीं करती थी, दादी बात नहीं करती थी, पर मम्मा को देख करके दादी बड़ी प्रभावित हुई कि मम्मा के जीवन में इतना परिवर्तन, कहाँ मम्मा इतने आगे और इतनी फैशनेबल और इतनी दूसरे स्वभाव की, और एकदम से ज्ञान में परिवर्तन देख करके दादी को बड़ा आश्चर्य हुआ। और भी जैसे हमको रमेश भाई मम्मा की विशेषताएँ सुनाते थे कि एक बारी मम्मा बॉम्बे से आई थी,
इलाज करा करके, तो रमेश भाई ने पूछा था मम्मा से कि मम्मा आज तो आप बॉम्बे से आए हुए थके हो, तो आज तो आप रात्रि का क्लास नहीं कराओगे। तो मम्मा ने कहा क्या बाबा ने मुझे श्रीमत दी है, रात्रि का क्लास नहीं कराना, तो जब बाबा की श्रीमत नहीं है तो मम्मा रात का क्लास जरूर कराएगी। तो एक बार ही क्या हुआ कि नलिनी दीदी अनुभव सुना रही थी मम्मा का कि रात्रि का क्लास मम्मा को कराना था, तो जैसे देखा कि उस दिन अचानक से बाबा क्लास लेने लगे, तो जैसे मम्मा जिस रास्ते से आती थी आकर के सनरी पर बैठती थी, तो जैसे ही मम्मा ने देखा कि बाबा सनरी पर बैठे हुए हैं तो मम्मा दूसरे रास्ते से आकर के और पीछे से आराम से आकर के बैठी। इतना अनुशासन मम्मा के जीवन में था। और जैसे हमको और भी अनुभव सुनाती है बड़ी दीदी दादियाँ, जैसे रमेश भाई, मम्मा बॉम्बे जाती थी तो रमेश भाई के यहाँ ही रुकती थी, तो रमेश भाई के साथ सुबह को मॉर्निंग वॉक करने के लिए मम्मा और रमेश भाई सब जाते थे। तो मम्मा का नेचर था बहुत आराम से चलना, धीरे धीरे चलना, तो रमेश भाई हमको सुनाते थे कि हम मम्मा को कहते थे कि मम्मा आपके साथ चलने में तो बहुत थक जाते हैं पर बाबा के साथ चलते हैं तो हमको दौड़ी लगानी पड़ती है। तो मम्मा कहती थी कि बाबा के साथ तो डबल इंजन है पर मुझे तो एक ही इंजन से चलना पड़ता है। ऐसे कई विशेषताएं हमको दीदी दादियां सुनाया करती थी। ऐसे जैसे मम्मा की बीमार थी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो भी मम्मा की चाल चलन चेहरे को देख करके कोई समझ नहीं पाता था कि मम्मा को इतनी बड़ी बीमारी है। एक बारी डॉक्टर आया देखने के लिए तो देख करके पूछने लगा पेशेंट कौन है, तो डॉक्टर को भी बड़ी प्रेरणा मिली क्योंकि उन दिनों कैंसर का इतना इलाज नहीं था और उस समय मम्मा की ऐसी स्थिति बिल्कुल कर्म भोग को कर्म योग में बदलना, ये देख करके डॉक्टर को भी आश्चर्य हुआ कि बिल्कुल निश्चिंतता है, बीमारी का कोई एहसास ही नहीं है। तो ऐसी मीठी मम्मा को हमारा सत सत नमन। हमारी मम्मा, प्यारी मम्मा यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती ज्ञान मूर्त तपस्वी मूर्त वीणा वादनी गुण गुण ग्राही और गुणों की वो खान थी। मम्मा दिव्य गुणों के संपूर्ण साक्षात्कार देवी थी। उनके संकल्प चट्टान की तरह अटिक थे, उनके बोल सार युक्त तो बड़े मीठे होते थे, उनके कर्म श्रेष्ठ और ये योग युक्त तो होते थे। मम्मा योग युक्त थी, गंभीर थी, शांत थी, उनके आसपास का वातावरण में एकदम सन्नाटा छा जाया था, सभी को ऐसा महसूस भी होता था, तो ऐसे लगता था कि जैसे कि वो कोई मानो कोई चलता फिरता ये लाइट हाउस और माइट हाउस है। और हांजी का पाठ उनको बड़ा पक्का था। एक बार मम्मा दिल्ली में मुरली चला रहे थे तो तब तो सत्संग इतने ज़्यादा नहीं होते थे, बहुत दूर दूर ही आश्रम होते थे। एक बार बाबा ने कहा मुरली में कि आज बच्चों को सबको सेब और मक्खन खिलाएं, लेकिन ना वहाँ सेब थे ना मक्खन थे, लेकिन मम्मा ने हांजी कर दिया एकदम। लेकिन उठे और बहनें सारी उठ गई तो अंदर जाकर देखने लगी सेब पता नहीं है नहीं, लेकिन बाबा ने कैसे कह दिया कि सेब और मक्खन खिलाएंगे, सब लोग अंदर हैं। लेकिन मम्मा बिल्कुल एकदम कैसी थी, निश्चिंत थी, कुछ ना कुछ ज़रूर है जो बाबा ने कहा। इतनी देर में थोड़ी देर में देखा कि अमृतसर से एक जीप आकर बाहर रुकी तो उसमें पेटियों की पेटियां आ गई, तो उन्होंने किसी से पूछा भी नहीं इसमें क्या है क्या है किसने क्या भेजा है, और एकदम जैसे ही पेटियां खोली तो देखा तो उसमें सेब थे, और उनसे पूछा भी नहीं कहां से आए कौन सेवा लेकर आया, उन्होंने जल्दी जल्दी सेब काटे और अंदर से माताओं ने बैठ के मलाई का मक्खन लगाया बनाया और सबको क्लास को दिया। लेकिन वो बाबा की मतलब उनको हाँ जी का पक्का पाठ था। मैं भी उनकी उनसे ये बातें जीवन में डालकर ऐसे ही उनकी राह पर चलते ओम शांति। मम्मा का सपुरुषार्थ बहुत था। मम्मा को कभी भी किसी ने लौकिकता या बाह्य मुक्ता की बातों में आते हुए किसी ने नहीं देखा। मम्मा की बातों में केवल ज्ञान योग धारण
और स्वपुरुषार्थ की बातें ही सुनाई पड़ती थी। यज्ञ में एक विधि थी, पद्धति थी, सिस्टम था कि जब भी कोई बात कहता था तो अपनी बात की शुरुआत में वो उस दिन की ज्ञान मूल्य की पॉइंट्स कहता था और अपनी बात को अंत भी उस दिन की ज्ञान मूल्य की पॉइंट से ही करता था। इसी तरह से ही प्यारे मम्मा बाबा भी जब किसी को पत्र लिखते थे तो पत्र की शुरुआत और अंत में उस दिन की ज्ञान मूल्य से संबंधित ज्ञान, योग और धारणा की पॉइंट से ही लिखा करते थे। मम्मा को कभी भी योग लगाना नहीं पड़ता था, वो तो सहज, निरंतर और स्वतः योगिन थी। मम्मा ने अपने जीवन में मनमना भाव और मध्याची भाव के महामंत्र को स्वाभाविक रूप से धारण कर लिया था, जिस वजह से वो चलते फिरते भी इस दुनिया की नहीं भासती थी। वो इस दुनिया से बहुत दूर न्यारी और अलौकिक माँ भासती थी। तो जब मम्मा को कोई भी देखता था तो उसे केवल लाइट का ही और फरिश्ते रूप का या माँ का साक्षात्कार होता था। मम्मा जब भी योग में बैठती थी तो वातावरण में एक सन्नाटा छा जाता था। सम्मुख बैठी हुई आत्माओं को दिव्यता, अलौकिकता, शांति और शक्ति के प्रकंपन अनुभव होते थे। भले ही यज्ञ वस्तु को ये मालूम था कि मम्मा तो एक कुमारी है, लेकिन फिर भी मम्मा से वात्सल्यता का अनुभव होने के कारण सभी मम्मा की गोद में सहज बैठ जाते थे। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ की गोद में कैसे समा जाता है, इसी प्रकार सब मम्मा की गोदी में समा जाते थे। मम्मा के मुख से हमेशा ये स्लोगन निकलता था कि जो कर्म मैं करूँगी मुझे देख सब करेंगे। तो मम्मा के जीवन से ही अनेकों को प्रेरणा मिलती थी। मम्मा तो चलती फिरती जैसे साक्षात्कार मूर्ति थी। जो बाबा ने मम्मा को वरदान दिए, सम्मान दिए, मम्मा उसे शत शत स्वीकार करके आदर भाव से उसका स्वरूप बन जाती थी। यदि बाबा कहते थे ये रात है तो मम्मा कहती थी जी बाबा। यदि बाबा कहे ये दिन है तो मम्मा कहती थी जी बाबा। मम्मा ने कभी भी बाबा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, सदा हाँ जी का पाठ ही पक्का किया। तो ऐसी वात्सल्यता की धनी जो माँ सरस्वती के रूप में आज जन जन के मुख पर बैठी हुई है, जो हर आत्मा की मनोकामना को पूर्ण करने वाली माँ कामधेनु है, ऐसी माँ को मुझ आत्मा का शत शत नमन। ओ माँ, तेरी मीठी शाम और तेरी वो मीठी बाँ, कितना न प्यारा अनुभव हुआ होगा उन वत्सल वत्सगणों को जिन्होंने माँ का सम्मुख एहसास किया, अनुभव किया। इन आत्माओं को भी मुझ आत्मा का शत शत नमन है, शत शत नमन है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा एक कुशल प्रशासक थी। मम्मा बाबा की सहयोगी थी। सहयोगी बन करके उन्होंने हमें हमेशा सहयोग का पाठ पढ़ाया। हर परिस्थिति में मम्मा अचल अडोल रहती थी। कभी भी चिंता की सिकन उनके माथे पर हमने नहीं देखी। इस बाबा की बगिया को उन्होंने माली बन करके बड़े ही प्यार से सींचा और सबको इतना प्यार दिया कि सब उन्हें मम्मा कहने लगे। तो ऐसी मम्मा को हमारा सत सत नमन। ओम शांति। ओम शांति। आज हमें खुशी हो रही है कि हमारी मम्मा यज्ञ माता जगत अम्बा सरस्वती माँ की इतनी महिमा है। मम्मा ने हमारी मुरली से बहुत प्यार था। मम्मा कभी मुरली मिस नहीं करती थी। मम्मा बाबा की मुरली को जो का त्यों ही सुनाती थी। बाबा की मुरली को
मम्मा मंथन करके बच्चों को गिट्टी बना गिट्टी खिलाकर तंदुरुस्त बनाती थी। मम्मा की मुरली बच्चों के लिए शक्तिशाली थी। मम्मा कभी किसी बच्चों की कमी कमजोरी नहीं देखती थी। मम्मा सदा सबको आगे बढ़ाती थी। मम्मा स्वयं ज्वालामुखी थी, शिव शक्ति थी, जगत अम्बा थी और वो सबको उसी रूप में देखती थी। मम्मा के लिए कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता था। मम्मा कभी किसी को डांटती नहीं थी, प्यार से सबको समझाती थी, सबका कनेक्शन बाबा से जोड़ती थी। मम्मा को बाबा में संपूर्ण निश्चय था, ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय था। मम्मा नंबर वन गई। मम्मा को यज्ञ की एक एक चीजों का बहुत महत्व था। मम्मा यज्ञ की संभाल दिल से करती थी और सबको सिखाती थी। हर कर्म मम्मा कर सिखाती थी। मम्मा कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी। मम्मा अमृत वेले 2 बजे उठकर अपना पुरुषार्थ करती थी और विश्व को सकाश देती थी। सबको शक्तिशाली बनाना ये मम्मा का लक्ष्य होता था। सबको आगे बढ़ाना, सबको बाबा के ज्ञान का महत्व समझाना, बाबा की मुरली का महत्व पढ़ाना, सभी को आत्मिक पाठ पढ़ाना। हम सब एक पिता के बच्चे हैं और हम सब भाई भाई हैं। न कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है। मम्मा ये पाठ हमको पढ़ाती थी। अच्छा, ओम शांति। ऐसी मम्मा को हमारा याद प्यार और शत शत नमन। ओम शांति। हम सभी के दिलों को जीतने वाली हम सबकी प्यारी जगदम्बा माँ, जिन्होंने साकार में मम्मा को देखा, वो कितने सौभाग्यशाली हैं। मैंने तो मम्मा को साकार में नहीं देखा, परंतु मम्मा के बारे में बचपन में सुना जरूर था। जब मैं 6th क्लास में पढ़ती थी तो मम्मा का एक छोटा सा फोटो फ्रेम होकर के घर में आया, और जब उस फोटो को मैंने देखा तो फोटो को देखकर मैं मम्मा के प्रति इतना प्रभावित हुई कि मम्मा की आंखों में वो सच्चा प्रभु प्रेम, वो पवित्रता, वो दिव्यता, अलौकिकता मुझे दिखाई देती थी, और ऐसे लगता था कि उस फोटो को मैं देखती ही रहूं। मेरे अंदर में विचार आया कि मैं बड़ा होकर बनूंगी तो मम्मा की तरह बनूंगी। जब मैं यज्ञ में समर्पित हुई और मुझे पता चला कि हमारी लौकिक दादी जी मम्मा से 3 बारी मिली हैं, तो एक बार मैंने दादी जी को पूछा कि दादी जी आपने मम्मा में क्या देखा, तो उन्होंने कहा हम क्या बताएं मम्मा के विषय में, जब मम्मा को देखते थे तो लगता था देखते ही रहें, मम्मा को जब सुनते थे तो लगता था मम्मा का सुनते ही हम रहें, जब बैठते थे तो बस उठने का मन नहीं होता था। मम्मा के अंदर जो कुछ था, मम्मा के सामने जाते ही किसी भी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं आता था, आत्मा जैसे निश्चिंत हो जाती थी। तो ऐसी जगदम्बा माँ को हम सभी शत शत नमन करते हैं, और हम चाहेंगे कि उस माँ से सभी को प्रेरणा मिले और सभी की बुद्धि का तार उस प्यारे प्रभु परमात्मा के साथ जुड़े। ओम शांति। आज हम प्यारी मम्मा की विशेषताओं के बारे में जानेंगे।
मम्मा हमेशा कहा करती थी कि हमें सबको सुख देना है, प्रकृति के पांचों तत्वों को भी हमें सुख देना है। यदि कोई आवाज करते हुए चलता था तो मम्मा उसे कहा करती थी कि धीमे धीमे चला करो। हमें इस धरती को भी कभी दुख नहीं देना है। जब हम प्रकृति के पांचों तत्वों को सुख देंगे तो ये पांचों ही तत्व हमें भी सुख देंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार में आना है, ऐसे प्यारी मम्मा सभी बच्चों को सिखा करके योग्य बनाया करती थी। मम्मा के व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मम्मा बाबा को रात भर याद करती थी। उनकी तपस्या चांदनी रातों में रात भर हुआ करती थी। मम्मा का बाबा से बहुत विशेष प्यार था। वो रात भर बाबा को याद करती थी और उस याद में प्यार भरे मोती निकलते थे। मम्मा की तपस्या हम सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो ऐसी हमारी मम्मा के अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। ऐसी हमारी माँ जगत अम्बा को हमारा शत शत प्रणाम। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। मम्मा के अनुभवों में एक यह भी बात सुनने में आती है कि एक बार एक कन्या की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें लगभग 30 बार लूज मोशन हुए थे तो वो एकदम बेहोश होके बाबा का नाम लेकर गिर पड़ी। जैसे ही बाबा को पता चला तो बाबा उनके पास आए और उन्हें दृष्टि दी। फिर धीरे उनकी आँख खुली और फिर से उनके मुख से निकला शिव बाबा। बाबा ने उनकी ऐसी हालत देखकर मम्मा से कहा कि बच्ची आपको इनकी संभाल करनी है। बाबा ने पूरा बताया, एक हफ्ते का डाइट बताई। उन्हें कहा कि आपको पहले दो दिन हर घंटे में 3-3 चम्मच पानी पिलाना है, फिर अगले दो दिन हर घंटे में 3 चम्मच पानी 3 चम्मच दूध पिलाना है, फिर अगले दो दिन खिचड़ी 1-1 चम्मच खिलानी है। इस प्रकार बाबा ने पूरे हफ्ते का चार्ट बनाकर मम्मा को दिया और कहा कि आप इनकी पूरी संभाल करना। मम्मा ने हाँ जी किया और सब कुछ वैसे ही किया और वो कन्या एक हफ्ते में ठीक हो गई। फिर जब वो ठीक हो गई तो उन्होंने कहा, मम्मा आप अब मुझे मत खिलाइए, मैं अपने हाथों से खा सकती हूँ। तो मम्मा ने कहा, बच्ची बाबा की आज्ञा अभी नहीं हुई है, जब तक के बाबा नहीं कहेंगे तब तक के मम्मा ही आपको खिलाएगी। इस प्रकार की मातृत्व भावना मम्मा के अंदर थी। फिर एक दिन उन्हें बुलाकर रात्रि 10 बजे से सुबह 4 बजे तक के दृष्टि से योग कराया। वो कन्या बताती है कि मुझे ऐसी महसूसता आ रही थी कि मम्मा अपनी सारी दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर भर रही है। अंदर में वो शक्ति का संचार उन्हें महसूस हो रहा था। फिर उन्हें कहा कि अब आप जा करके सो जाओ। फिर वो पूरी तरह से ठीक हो गई। फिर जब सभी यज्ञवत्सों को ये बात पता चली कि ऐसे ऐसे मम्मा ने इनकी संभाल की है, तो सबको बहुत जिज्ञासा हुई कि आखिर इन्होंने ऐसी क्या तपस्या की है जो मम्मा इतनी केयर इनकी कर रही है। सभी इनसे पूछने गए कि आपने क्या तपस्या की है जो मम्मा आप पे इतना विशेष ध्यान देती है। तो उन्होंने कहा, मम्मा से जब पूछा तो मम्मा ने कहा कि आप उन्हीं से पूछो। तो उन्होंने बताया कि मेरी शुरू से ही एक तपस्या रही है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, आदि से लेकर अंत तक मेरी एक यही तपस्या है, जिस कारण ही शायद ये फल आज मुझे मिला है। तो ये मम्मा का और एक मातृत्व भाव का अनुभव। ऐसी मीठी प्यारी मम्मा को हम सभी का शत शत नमन। ओम शांति। ओम शांति। आज हम जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें हम सभी यज्ञवत्स मम्मा के नाम से भी जानते हैं, की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और साथ ही उन्हें आत्मसात भी करेंगे। मम्मा में संगठन करने की शक्ति बहुत ही श्रेष्ठ और जबरदस्त थी। मम्मा सदैव सबको साथ लेकर के चलती थी। मम्मा सदैव सभी से संतुष्ट रही और मम्मा से भी सभी संतुष्ट रहे। मम्मा कभी भी किसी के
भाव स्वभाव के प्रभाव में नहीं आती थी, सभी को प्रेम से जीती थी, इसीलिए कभी भी कोई उनका पराया नहीं रहा। मम्मा से सभी ने यही बेहद का अनुभव किया कि यह मेरी माँ है, यह मेरी हित चिंतक है। सत्य बात तो यह है कि मम्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए परमात्मा शिव के अति गुह्य और गोपनीय ज्ञान की गहराई को समझकर शीघ्र ही अपनी पवित्र और दिव्य बुद्धि का परिचय दिया था। मम्मा सदैव कहती थी कि यह आज्ञा किसकी है, स्वयं जाने जाननहार, सृष्टि के करण करावनहार सर्वशक्तिमान की है, इसलिए ब्रह्म प्लान अनुसार यह कार्य तो हुआ ही पड़ा है। हम सभी तो बस निमित्त मात्र बनकर बस हाथ पैर चलाने वाले हैं। यज्ञ के इतिहास से स्पष्ट है कि मम्मा ने बाप दादा की आज्ञाओं और मिली हुई प्रेरणाओं को समझकर यथार्थ रीति उन्हें यज्ञ में कार्यान्वित करने का कार्य उत्तरदायित्व तो बड़ी ही कुशलता पूर्वक निभाया। अतः ऐसी मम्मा की विशेषताओं को जो कि गुणों की खान थी, हम स्वयं में भी आत्मसात करने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के साथ हम सभी मम्मा को शत शत नमन करते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हमें जीवन में सफल होने के लिए मम्मा ने 5 सूत्र दिए हैं। पहला, मम्मा कहती हैं, जब से बाबा ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं तो हमारे कान तक आते माया प्रवेश न हो जाए, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। तो मम्मा कहती हैं, सदा रूहानी स्थिति में स्थित होकर के ज्ञान मुरली को सुनना है। दूसरी शिक्षा देती हैं मम्मा कि हमारा जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं होना चाहिए, पोस्ट कार्ड की तरह खुला हुआ होना चाहिए। इसके आगे बताती हैं मम्मा कि सदैव हाजी का पाठ पक्का होना चाहिए। यदि कोई कार्य आपको किसी ने सौंपा और यदि नहीं भी आता हो तो आप डायरेक्ट उन्हें ना नहीं कहें, ना मना नास्तिक। आप उनसे कहें कि आप हमें इसका तरीका बता दीजिए, हम उसी तरीके से इसको कर लेंगे। आगे मम्मा कहती हैं कि यदि कोई बात भी हो जाए तो कभी भी उसका वातावरण नहीं बनाना, सदैव धैर्यता एवं गंभीरता का गुण धारण करना। 5वां सूत्र देते हुए मम्मा कहती हैं कि अपनी मत को जीवन का जिम्मेवारी नहीं बनाना। हमने अपनी जिम्मेदारी बाबा को सौंपी है तो मदद और शक्ति मिलेगी। यदि अपनी मत और जिम्मेवारी अपने मानेंगे तो हमें शक्ति और मदद नहीं मिलेगी। ऐसे ही गुरु माँ को हमारा सत सत नमन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा ओ प्यारी मम्मा, आप हो जगदम्बा। मम्मा आपके रहते सदा वरदानी बोल, आपकी स्थिति सदा रहती अच्छा लडोल। आपकी थी सदा आत्मिक दृष्टि, होती संभालती हो आप सारी सृष्टि। आप हो निराली माँ, करती सदा शिवावती महिमा। मम्मा की दृष्टि करती कमाल, जो भी आता पास होता माला माँ। वाणी में सागर की गहराई, योग में आकाश की ऊंचाई। मम्मा हो प्यारी मम्मा, आप तुम हो भाग्य विधाता मम्मा। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान अपनी रीति से सर्व महान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि जितनी भी महिमा करें उतना ही कम होगा। जमीन आसमान दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी, चांद भी देर से जाया करता था। जब वो रात रात जाग कर शिव पिता को याद करती थी,
यही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए, यही गौरी कुंभराज की पुत्री, ज्ञान गुण की दृष्टि से सुंदर थी, जिसे आज संसार में अंबे माँ, ईव व हवा आदि के नाम से याद करते। ऐसी करुणामयी माँ के दिव्य चरित्रों से जुड़े अनुभवों को सुनकर अपने आप को परमानंदित करने का सौभाग्य मिला। ऐसी माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ। माँ ओ माँ, तेरी शीतल है छाँव, तेरे वरदाने वाँ, तेरे हाँ में हाँ, जिसमें हमें दिखता आसमां, ओ माँ। तो आज 24 जून मम्मा के अवगत दिवस के अवसर पर सुख शांति भवन नीलवण भोपाल के समस्त ब्राह्मण परिवार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते माँ को सत सत नमन, सत सत नमन। ओम शांति। तेरी याद आए तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आए तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आए वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब क्यों बीच में छोड़ देंगे। वादा किया अंत तक साथ देंगे, कहा कब क्यों बीच में छोड़ देंगे। इतना भी अधिकार, इतना भी अधिकार हमको दिलाओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई तुम भी तो आओ, माँ गोद में अपनी हमें भी बिठाओ। तेरी याद आई संवर्धिनी।